हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब सहेली चैनल में। फ्रेंड्स, हर मौसम में कुछ ना कुछ ऐसे फल या ऐसी सब्जियां ज़रूर आती हैं जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं और पोषण के लिहाज से बेहद ही ज़रूरी होती हैं। तो ऐसा ही एक फल है जो दिवाली से पहले देखा जाता है और ये काफ़ी सस्ता होता है और खाने में भी बहुत ही पसंद आता है, और वो है सिंघाड़ा, जिसको हम वाटर चेस्टनट भी बोलते हैं। ये फ्रेश वाटर में उगता है और इसके बहुत अच्छे औषधीय गुण हैं, और स्पेशली अगर हम फर्टिलिटी के लिहाज से बात करें तो पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए इसके अनेक गुण हैं। आयुर्वेद के मुताबिक माना जाता है कि सिंघाड़े के अंदर जो मिनरल्स होते हैं उसकी मात्रा भैंस के दूध से 22 गुना ज़्यादा होती है। तो इस तरह से इसके अंदर मिनरल इतने अधिक मात्रा में होते हैं कि इसको खाना हमारे लिए बेहद लाभदायक है। अब आइए हम जानते हैं कि इसके कुछ खास गुण क्या हैं, फर्टिलिटी को ये किस तरह से इम्प्रूव करता है। नंबर वन, पुरुषों में ये सीमन की मात्रा को बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। पुरुषों में लो लिबिडो की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी ये बहुत अच्छे से दूर कर देता है। महिलाओं में इम्प्लांटेशन की सक्सेस को बढ़ाता है। जो भी IVF करा रहे हैं या IUI करा रहे हैं या नेचुरली कंसीव करना चाह रहे हैं, उनको ओव्यूलेशन के बाद में सिंघाड़े ज़रूर खाने चाहिए, क्योंकि ये इम्प्लांटेशन की सक्सेस रेट को बढ़ा देता है। इसके साथ ही अबॉर्शन का जो खतरा होता है अर्ली प्रेगनेंसी में, उसको भी दूर कर देता है। इसीलिए इसको अर्ली प्रेगनेंसी में भी आराम से खाया जा सकता है। आयुर्वेद के मुताबिक शुक्र धातु हमारे रिप्रोडक्शन से, प्रजनन से, संतान उत्पत्ति से रिलेटेड है, और ये शुक्र धातु को पुष्ट करता है, मजबूत करता है, बढ़ाता है। फ्रेंड्स, इसके अंदर पोषण की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, सब कुछ बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। तो इस मौसम में जब ये फल बहुत अच्छी मात्रा में मार्केट में अवेलेबल है, आप इसे ज़रूर खाएं। अब हम जान लेते हैं कि किन किन इश्यूज़ में, किन किन परेशानियों में इसको स्पेशली कंज्यूम करना चाहिए, कितना खाना चाहिए, डेली की कितनी मात्रा हमें खाना ज़रूरी है, और क्या इससे कुछ नुकसान हो सकता है, ये सारे सवाल हम आगे जानते हैं। फ्रेंड्स, PCOD और थायराइड के डिसऑर्डर में सिंघाड़े का यूज़ करना चाहिए। इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं, इसको बॉईल करके भी खा सकते हैं, और इसके अलावा इसका आटा भी होता है जो कि फल को सुखा के उसका पाउडर बना के प्रिपेयर किया जाता है। और जनरली कल्चर ये है कि फास्टिंग जब करते हैं, उपवास के दौरान इसका हलवा बना के खाया जाता है। तो जब आपका अबॉर्शन हो गया है, मिसकैरेज हो गया है, तो आप डेली 50 ग्राम, एक छोटी कटोरी 50 ग्राम आटे का, सिंघाड़े के आटे का हलवा डेली आप कंज्यूम करिए। आप नाश्ते में कर सकें तो बहुत अच्छा होगा। तो इससे आपकी बच्चेदानी बहुत जल्दी मजबूत होगी और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी अगली प्रेगनेंसी के लिए। अब हम जान लेते हैं कि इसके खाने से रिलेटेड कौन कौन सी सावधानियां हमें रखनी चाहिए। जिनका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, जो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट कर पाते हैं हर हैवी चीज़ को, वो इसको खा सकते हैं जितना वो डाइजेस्ट करें, लेकिन इसको 50 से 100 ग्राम तक ही एक दिन में कंज्यूम करना चाहिए अगर आप डेली इसको खा रहे हैं, क्योंकि कई बार ये पचने में भारी होता है। जिनका डाइजेशन वीक है स्पेशली, उनके लिए थोड़ा पचने में भारी होता है और हो सकता है कि उसको इसके खाने के बाद कफ बने। अगर उनके शरीर की प्रकृति है तो थोड़ा उनको कफ हो सकता है, तो उसके लिए आप हल्दी वाले दूध का उपयोग कर सकते हैं। सिंघाड़े को खाने के तुरंत बाद, चाहे आप बॉईल करके खाएं, चाहे आप कच्चा खाएं, उसके तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना चाहिए। उसके आधे घंटे बाद ही आपको पानी पीना चाहिए ताकि इसका डाइजेशन अच्छे से हो सके। तो फ्रेंड्स, आप सभी सिंघाड़े को आज से ही अपने आहार में, अपने रूटीन में शामिल कर लें। आप इसे कच्चा खा सकते हैं, आप इसे बॉईल करके खा सकते हैं, और बाकी सभी मौसम में आप इसका हलवा बना के भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह बने रहिएगा मेरे साथ यूट्यूब सहेली चैनल पे। हम मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।